देखिए, राजधानी में ना सिर्फ कोरोना संक्रमितों की बल्कि इससे मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मंगलवार को राजधानी में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आई है। इसके साथ ही लगातार चौथे दिन शहर में कोरोना से मौत हुई है। जहांगीराबाद में रहने वाले 74 साल के व्यक्ति के संक्रमण से 11 अप्रैल को मौत हुई थी। इसकी रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई है। इनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री भी निकाली जा रही है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल में जो है अभी तक जो नए मरीज आए हैं वो 16 आए हैं और कुल मिला के अभी तक 159 मरीज जो है कोरोना के संक्रमित मरीज आ चुके हैं। वहीं 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी जो हाई सेंसिटिव जो कंटेनमेंट क्षेत्र है वो राजधानी भोपाल के पुराने शहर का जहांगीराबाद क्षेत्र है, जहां पे पहले ही दिन लगभग 8,000 परिवारों की स्क्रीनिंग की गई है, जिनमें 295 का भी स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि 67 लोग जो है कैसे कोरोना संक्रमित हुए हैं, क्योंकि इसकी जो अभी स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसमें जिले में 5% लोग ऐसे हैं जो दूसरे देश या राज्य से संक्रमण लेकर आए थे। इसके अलावा 26% लोग पॉजिटिव मरीजों के संक्रमण में आने की ऐसे ही हुए हैं। यानी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें स्वास्थ्य विभाग जो अपने बता रहा है। वहीं दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी भोपाल में भी अत्यावश्यक जो सामग्री है उसको जैसे दाल चावल आटा शक्कर व किराना सामग्री की आपूर्ति बने ले, इसके लिए जिला प्रशासन ने थोक बाजार शुरू तो कर दिया है और सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक थोक की दुकानें खुली रहेंगी। इसके लिए भी समय व दिन निर्धारित किए गए हैं। खास बात यह है कि दुकानदारों से ऑनलाइन व्हाट्सएप व मोबाइल फोन के जरिए ऑर्डर स्वीकार किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुल मिलाकर राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, वहीं पे दूसरी जो अत्यावश्यक सामग्री है उनकी आपूर्ति बनी रहे इसके लिए भी जिला प्रशासन और सरकार जो है उन्होंने अपनी कमर कस ली है और वो तमाम इस पे कवायद कर रही है।